भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा
इस घटना के बाद अशिपनी नामक पत्नी से अनुनीत शांत किए गए स्वयं हुआ श्री ब्रह्मा के द्वारा सस्क्रीम साथ संजनया मास उत्पन्न किए दुहित्री ही कन्याएं पितृवत्सला अपने पिता की परम प्यारी अनुवाद। श्री वसुदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तदनंतर श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रजापति दक्ष ने, जिन्हें प्राचेतस कहा जाता है, अपनी पत्नी अशिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक प्यार करती थी। तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अपने अनेक पुत्रों की हानि सह लेने पर दक्ष को नारद मुनि के प्रति की गई अज्ञता का पश्चाताप हुआ। तब से ब्रह्मा दक्ष के पास गए और उनको संतान उत्पन्न करने के लिए सलाह दी। इस बार दक्ष सावधान थे, अतः उन्होंने कन्याएं ही उत्पन्न की जिससे नारद उन्हें विरक्त न बना सके। स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है, उन्हें तो अपने पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि पति मुक्ति का पात्र है तो उसकी पत्नी को स्वयमेव मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि शास्त्रों का कथन है, पत्नी अपने पति के पवित्र कार्यों में हिस्सा बटाने वाली होती है। अतः स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की आज्ञाकारिणी बने, तभी बिना किसी भिन्न प्रयास के वह अपने पति के लाभ में हिस्सा बांध सकती है। इस अध्याय के पूर्व दो अध्यायों में, 4 और 5 में, यह कथा है कि दक्ष प्रजापति एक बार 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको तपस्या के लिए भेजे। तपस्या करके जीवन में शक्ति पा करके गृहस्थ बनेंगे और सृष्टि विस्तार करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे, इस आशा से भी अपने पुत्रों को भेजे। परंतु उधर जाने पर श्री नारद मुनि से उनकी भेंट हुई और श्री नारद जी ने उनको 10 बातें बताई, जो 10 मिनट का ही काम था, और उन्हें विरक्त बना दिया, घर लौटे ही नहीं। रामायण में लिखा गया है कि दक्ष सुतानी उपदेश नहीं जाई, तिन्हें पुण्य भवन में देखा आई। नारद जी ऐसे हैं कि दक्ष प्रजापति के पुत्रों को ऐसी पट्टी पढ़ाए क्योंकि घर लौटे ही नहीं, तिनकुनी भवन न देखा आए, घर देखने भी नहीं आए, गृह करने की तो बात नहीं, तो लौटे ही नहीं। दक्ष प्रजापति पुत्रों के इस विनाश को सुने उन्हें बहुत दुख हुआ। जब कोई बेटा संसारी हो जाता है, माता पिता तो सोचते हैं कि हमारे लड़के का अवसर विनाश हो गया, क्योंकि वह संसार का भोग नहीं भोगेगा,
होगा, अपने माता पिता का पालन भी नहीं करेगा, कई तरह से विचार करते हैं। तो दक्ष प्रजापति भी यही सोच रहे थे कि उनके पुत्रों का नाश कर दिया नारद। तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं बेटा, उसका काम है, वो विरक्त बना रहा है, तुम फिर पुत्र उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष प्रजापति फिर 1000 पुत्र उत्पन्न किए। पहले सेठ को बहुलाश कहते हैं और दूसरे सेठ को सबलाश, उस सेठ को 1000। वे उनको भी भेजे कि जा करके तपस्या करके शक्ति अर्जन करो। गृहस्थ बनने के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन और वेदाध्ययन, शास्त्रों का यह सब करना, इसके लिए भेजा उन्होंने वन में। ऋषि लोग रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, वहाँ पढ़ो शास्त्र, सीखो, तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसके बाद गृहस्थ बनना। तब ये लोग भी ठीक उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ नारद जी ने उनके भाइयों का नाश किया। वहाँ भी नारद जी पहुँच गए और कहे, जो छोटे भाई अपने बड़े भाई का अनुगमन करते हैं, जो मरुद लोक में निवास करते हैं, स्वर्ग ऐसे ही मिल जाता है अगर बड़े भाई के अनुसार जीवन बिताया जाए। तुम लोगों ने सुना तुम्हारे बड़े भाई सब परम विरक्त हो गए और भगवान के धाम में जाने की योग्यता प्राप्त कर ली, इस प्राकृतिक जगत में क्या रहना है, यहाँ मरना है, इसलिए जो बड़े भाइयों ने किया है वही करना चाहिए और वही 10 बात उनको भी सिखाए। वे सब भी अपने भाइयों के स्नेह में घर नहीं लौटे, वही विरक्त हो गए। 11000 पुत्रों को नारद जी ने इस तरह भगवान में लगाया। अस्तों में श्री नारद जी परम कृपालु हैं, आगे इन जीवों की दुर्दशा होगी घर गृहस्थी में फंस करके। उन्होंने सोचा कि ये उचित कैंडिडेट हैं, योग्य पात्र हैं, ये भगवान की भक्ति करेंगे विरक्त रहकर। वास्तव में गृहस्थ उनको बनना चाहिए जो चेतना में अभी बहुत कम हैं, जिन्हें भोगों की रुचि है, रुपया पैसा कमाने की भावना है और कई प्रकार से मेंटेन करने की। लेकिन जिनमें विरक्ति का परमाणु है शुरू से ही, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वे गृहस्थ बने। जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवान कृष्ण का चरण कमल पाना, यही वास्तविक लक्ष्य। अगर शुरू से ही किसी में विरक्ति है, स्त्री के प्रति रुचि नहीं है, धन आदि के प्रति रुचि नहीं है, भगवान में रुचि है, भगवान की भक्ति में, जप करने में, भगवान की कथाएं सुनने में, शास्त्रों को पढ़ने में, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं कि इस पच्चर में पढ़े, गृहस्थ बने। तो श्री नारद जी ने जो कुछ किया वास्तव में उनकी पात्रता के अनुसार किया, वे समझ गए कि ये बच्चे होनहार हैं। वास्तव में भगवान का भजन करके दक्ष प्रजापति ने उनको पैदा किया था, बहुत तपस्या किए थे विंध्याचल पर्वत में, हंस कोई स्तुति आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ। भगवान की भक्ति करने से जो संतान होता है वो वास्तव में भगवत परक भगवत परायण होता है। श्री नारद जी ने देखा कि ये बच्चे पूर्ण परमहंस आश्रम में जाने योग्य हैं, इसीलिए उन्होंने उनको उपदेश दिया है। और दक्ष प्रजापति इतने उन्नत कॉन्शियसनेस के नहीं थे, इसलिए वे नहीं समझे नारद जी की बात को, तो बहुत क्रोधित हुए। 11000 पुत्र उत्पन्न किए, उसमें से ये कभी नहीं छोड़ा है, उन्हीं से इसलिए समझ ये सर्वनाश किया। तो श्री नारद जी एक बार सोचे कि इस वंश पर भगवान की कृपा है, ध्रुव महाराज का वंश है,
तो हमने भी सभी लोगों पर कृपा किया, प्राचीन बरही पर कृपा किया, प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए प्रचेता, उन पर भी कृपा किया। तब उस भक्त के वंश में दक्ष प्रजापति भी हैं, इनके पुत्रों को पर भी कृपा हुई, इनके पुत्रों को परमहंस आश्रम में दाखिल करा दिया, तो उनको भजन के योग्य बनाया। क्यों नहीं दक्ष प्रजापति को भी कुछ सिखाऊं कि भगवान का भजन कीजिए। अब इस घर गृहस्थी बहुत दिन कर लिए, अरे गए एक दिन दक्ष प्रजापति के पास कृपा कर। उनको देखते ही दक्ष प्रजापति कहे, आ गया फिर, कौन सा मुंह दिखाया मुझको, हमारे पुत्रों को तुमने भिखमंगा का मार्ग दिखाया है, ठीक साधु मैंने भीख मांग कर खाने वाला, कहाँ राजा का पुत्र और कहाँ भीख मांगना। तुमको शर्म नहीं आई यहाँ आने में, जो किया सो किया, मैं तो सह गया था ना, फिर भी तुमने मुंह दिखाया, तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, अगर कोई बेटा होता ना तब तुमको पता चलता, कुछ है नहीं बाण बहंगवा, आगे पीछे कुछ नहीं है, बस बिना बजाते हुए घूमते रहते, फिर तुम्हारे हृदय में कोई दया नहीं है, बच्चों को भिखमंगा बनाया, गृहस्थ बनने से मना किया, तुम अपने समान सबको करना चाहते हो ना, तुम्हारे ही समान सब बिना घर द्वार के बिना बाल बच्चा के ऐसे ही घूमते रहे, यही चाहते हो ना, ठीक है जो तुमको करना था किए, तुम यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, तुमको मैं साथ देता हूँ कि तुम कहीं भी एक जगह बहुत देर तक मत रहो, देर तक रहोगे प्रवचन करोगे सप्ताह करोगे लोगों की बहुत दिन तक ना रहो, साथ तुम ऐसे ठोकर खाते रहो, कोई तुम्हारा घर नहीं हो कुछ नहीं खाने पीने का। तो श्री नारद जी के लिए तो ये सांप और वरदान हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं एक जगह चाहता हूँ कि बहुत दिन रहूँ, श्रीमद् भागवतम पूरा करूँ, लिखूँ और भक्तों को भगवान की बातें सुनाऊँ, लेकिन मैं नारद जी की परंपरा में हूँ, इसीलिए दक्ष प्रजापति का साप हम तक आ रहा है, ये जगह नहीं रह सकते, कभी लास एंजेलिस तो कभी न्यूयॉर्क, कभी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मेलबोर्न, फिर बम्बई, दिल्ली, हमेशा घूमते ही रहते थे, कभी लंदन, कभी एक दिन दो दिन तीन दिन रहे, घूमते रहते। प्रभुपाद जी कहते थे कि दक्ष प्रजापति का साप हमको भी टच कर रहा है, क्योंकि मैं उसी परंपरा में और अनेक लोगों के लड़कों को इस तरह से नारद जी जैसा नाश किया। हम पर साप लग रहा है, तो श्री नारद जी के लिए वो साप वरदान हुआ, परंतु दक्ष प्रजापति उसी समय से नारद जी के प्रति बहुत मन में दुर्भाव रखे थे और अब वे संतान उत्पन्न करने से बाज आए, हो गया वो मानेगा नहीं, पर मान लीजिए फिर 500 या 100 पुत्र पैदा करता हूँ तो फिर वही वो काम करेगा। तो ब्रह्मा जी आए, इसमें लिखा है अनुमित स्वयं हुआ, स्वयं अर्थात भगवान ब्रह्मा जी आए दक्ष प्रजापति के पास, बहुत समझाए, अनुनीत अनुनय किए। ब्रह्मा जी को ये चिंता रहती है कि ये सृष्टि होनी चाहिए, ब्रह्मा जी पूरा खाली था, सृष्टि होनी चाहिए, संतान उत्पन्न होना चाहिए, बहुत विस्तार होना चाहिए। तो स्वयंभू ने जब अनुनय किया, समझाया तो बेटा कोई बात नहीं, तुम संतान उत्पन्न करो, अपना जो काम है स्वधर्म है वो करना चाहिए, नारद का यही काम ही है, उसको करने दो, अपना काम यही करे, हमेशा मैं पुत्र उत्पन्न करूँगा, हमारे पुत्रों को बर्बाद करता रहेगा। दक्ष प्रजापति ने इस तरह कहा, नहीं करें,
लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बेटा, तुम पुत्र उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम केवल पुत्रियां उत्पन्न करो। पुत्रियों को तो विरक्त बनाएगा, स्त्रियों से तो बात भी नहीं करता है नारद। तब इस बात से दक्ष प्रजापति को आश्वासन हुआ, आश्वासन मिला है, तो ठीक है। तब उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया। संतान उत्पन्न करने की शक्ति भगवान ने विशेषता दी थी। संतान उत्पन्न करना गृहस्थों का कर्तव्य है, जिसको जितना ही संतान हो उतना ही अच्छा माना जाता है हमारे वैदिक संस्कृति में। तो दक्ष प्रजापति को स्पेशल भगवान की शक्ति मिली थी, उन्होंने डायरेक्ट दक्ष प्रजापति से कहा था दर्शन देकर, तुम प्रजा की सृष्टि करो, भगवान का आदेश था। तो दक्ष प्रजापति 60 कन्याओं को जन्म दिए अपनी पत्नी अस्किनी के गर्भ से। जब ब्रह्मा जी के पुत्र थे अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति, तो उस समय इनकी पत्नी का नाम था प्रसूति। प्रसूति कर्दम जी के पुत्री थे। आकृति देवभूति प्रसूति तीन पुत्रियां थी। तो आकृति का विवाह किस प्रजापति से हुआ था? ऋषि प्रजापति से हुआ था। और देवभूति का विवाह कर्दम जी से हुआ था। और प्रसूति का विवाह, हाँ प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। तो उस दक्ष से, प्रसूति के गर्भ से दक्ष द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ था, सती नाम कन्या सती। लेकिन वो अपने पिता के यज्ञ में जा करके शरीर छोड़ दी, अपने पिता पर लंज हो करके। दक्ष प्रजापति ने सती का स्वागत नहीं किया तो वो शरीर छोड़ दी। जब शिव जी के प्रति दक्ष प्रजापति ने इस तरह द्रोह किया तो भगवान शिव ने इनका मस्तक काट दिया था, बकरा का मस्तक लगाया था। जहाँ भी दक्ष प्रजापति जाते थे तो लोग यही कहानी कहने लगते थे, जानते हो बकरा का सिर क्यों लगा है, ये इतना शिव का द्रोही है, शिव जी ने इसका मस्तक काट दिया। और इसके बाद बकरा का मस्तक जोड़ा गया है। दक्ष प्रजापति इस बात से बहुत चिंतित हो गए, बहुत बदनामी होती थी, इसीलिए वे अपना शरीर छोड़ दिए। तो शरीर छोड़ करके प्रचेताओं के यहाँ जन्म लिए। 10 भाई थे प्रचेता, जो प्राचीन कलि के पुत्र थे। 10 भाइयों के एक पुत्र हुए, 10 एक समान थे बिल्कुल, भाषा रूप शरीर स्वभाव सब कुछ, नाम भी प्रचेता था। बस प्रचेता का अर्थ होता है प्रकृष्ट चेतना वाला, कृष्ण कॉन्शियसनेस वाला। वे 10 भगवान के परम भक्त थे। उनको भी नारद जी ने सिखाया तो बहुत काल तक वे घर नहीं लौटे प्रचेता। प्राचीन वर्ग ही राज्य से रिटायर हो गए, लेकिन उस समय भी नहीं आए थे। बाद में इन्होंने एक पत्नी स्वीकार किया और उस पत्नी से एक ही पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दक्ष। ये दक्ष है प्रचेताओं के पुत्र है, इसीलिए प्राचीय सह लिखा गया, प्रचेताओं के पुत्र है, ब्रह्मा के पुत्र नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन कन्याओं के विषय में ऐसे सुखदेव को स्वामी कहते हैं इतनी वत्सला है। अपने पिता से दक्ष प्रजापति से ये बच्चियां बहुत स्नेह करते थे,
पूर्ण श्रद्धा से उनके अपने पिता के प्रति। ये देखा गया है कि यदि कोई कन्या है अपने पिता की, ये तो तीन चार कन्याएं हैं, कोई बेटा नहीं है, तो पिता भी उन कन्याओं से बहुत अधिक स्नेह करता है और कन्याएं भी अपने पिता को बहुत मानती हैं। जब पुत्र होता है तो माता पिता का कुछ स्नेह उसके तरफ बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है, कन्याओं पर कम ध्यान रखता है। लेकिन केवल कन्याएं रह गई और 11,000 भाई हुए थे और तो सब मिला तो एक प्रकार से समाज कहीं हो गए थे, घर आना नहीं, कुछ नहीं करना। तो अब तो अपने पिता के लिए यही पुत्र थी, कन्याएं हैं, बहुत स्नेह करते थे। पितृवत्सलाह, इसके दोनों अर्थ हैं। वे पिता इनसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत इनके प्रति वत्सल थे, और कन्याएं भी अपने पिता के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी, बहुत स्नेह करती थी। ये है पिता और पुत्रियों का संबंध, पितृवत्सला। पिता का उन्हें बहुत स्नेह प्राप्त था, वे अपने पिता को बहुत मानती थी। श्रीमद् भागवतम में केवल यही बात नहीं बताई गई है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परिवार के साथ, स्वजनों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ये भी बीच बीच में शिक्षा दी गई है। बच्चियां अपने पिता से बहुत स्नेह करती थी, उनकी बहुत सेवा करते थे हमेशा। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि पुत्र की अपेक्षा पुत्रियाँ अधिक सेवा करती हैं माता पिता की। प्राय हम लोग देखते हैं गाँव में अपने माता की सेवा पुत्री बहुत करती है, और माता के काम धंधा में हाथ बटाती है, जैसे भोजन बनाना है। बेटा तो कभी माँ की सहायता नहीं करता है भोजन बनाने में, है कि नहीं? हाँ, टाइम से खा लेता है। माँ की सेवा थोड़ी करता है, लेकिन बेटी शुरू से ही पानी भरना, देना, और घर में गाय है तो गोबर को ले जाना बाहर, कंडा बनाना, पाथना, सारी सेवा करती रहती है। माँ बीमार हो जाए तो उसकी सेवा करती है, मसाज करती है, तेल लगाती है। कई कई बच्चियों को हमने देखा है स्कूल से आकर के माता की सेवा करने में, तो माता को जो काम दिया रहता है, जो काम रहता है, उस काम में हाथ बटाती है। लेकिन लड़के कुछ काम करते होंगे, ये तो शायद ही कोई का श्रवण कुमार होंगे, बाकी सब लोग कर ही रहते हैं, देखा गया। और माता पिता के धन का अधिकारी कौन होगा, यही बेटा नामक जीव जन्म लिया है, वो अपने आप अधिकारी। बेटी तो कुछ लेती भी नहीं है, वो स्वाभाविक व्यवस्था है, अपने पिता से नहीं लेती है, पिता स्नेह से दहेज के रूप में जो भी दे देते हैं ले लेती है, क्योंकि उसका वास्तविक हक अपने पति में होता है। ये साइंटिफिक व्यवस्था है। आज के युग में लोग लड़कियों को भड़काते हैं, तुम अपने पिता के संतान हो इसलिए तुम भी अपना हिस्सा मांगो, अपना हिस्सा मांगो, हाँ पिता से भी लो और पति से भी लो, ये कितनी गड़बड़ी है। पति में ही उसका हक होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तत्पर्य में बताते हैं कि दक्ष प्रजापति कन्याएं क्यों उत्पन्न किए, पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न किए, नारद फिर इनको विरक्त नहीं बना पाएगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए विरक्ति नहीं बनी है, स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है। पहली बात है, उन्हें चाहिए कि वे अपने पति की आज्ञाकारिणी रहें, घर रहे, पति की सेवा करें। यह हमारा वैदिक शास्त्र कहता है, इस संसार में
सुख का एक यह भी आधार है पति पत्नी में प्रेम हो, तो पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे और अपने परिवार की सेवा करे। वह विरक्ति न स्वीकार करें। जैसे पति यहाँ घर पर हैं, बच्चे हैं और वो निकल गए तीर्थ करने, वृंदावन में घूम रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी का एक कर्तव्य है कि पति की सेवा करे, और यदि पति मुक्ति का पात्र है, वास्तव में भक्त है, तब तो कहना ही क्या। पत्नी सेवा करे पति की तो अपने आप वो मुक्त होगी, भगवान के धाम में जाएगी, ऐसा शास्त्रों का कथन है और श्रील प्रभुपाद भी इसको सपोर्ट करते हैं। स्त्रियों के लिए विरक्ति नहीं बनी है, वैराग्य नहीं बना है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उनका कर्तव्य है, अपना कर्तव्य देखना चाहिए। अपना कर्तव्य है पति का अनुयायी रहना, पति की सेवा करना, किसी भी स्थिति में पति की उपेक्षा नहीं करना, चाहे जैसा भी वो पति। शास्त्र पे भी कहता है कि यदि वो रोगी है या वृद्ध है, जड़ है, ना समझ है, बहुत विद्या बहुत नहीं जानता है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, कई चीज नहीं जानता है, जड़ है, फिर भी पति का तिरस्कार नहीं करना है। कोई स्त्री अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है तो इसलिए नहीं सोचना चाहिए मैं ही मालिक हूँ और पति को अपनी इच्छा के अनुसार चला रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पति मान लीजिए बेवकूफ है, जड़ है, तो पति से वैसे ही स्नेह करना चाहिए जैसे माँ अपने मूर्ख पुत्र से स्नेह करती है, ध्यान रखती है, पालन पोषण करती है। तो किसी भी स्थिति में पति का त्याग नहीं करना चाहिए। यह बात अन्यत्र कही गई है कि पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी से स्नेह करे, उसका भरण पोषण करे, उसको कपड़ा दे, प्यार का वचन दे, वाणी अच्छा बोले, अच्छी वाणी अच्छी बोले, और उसको घर दे, संतान दे, गहना दे, और उसको रखने के लिए कुछ पैसा देना चाहिए। स्त्री का स्वभाव होता है वो रखे रहती है, वो संचय करने में दिलचस्प रहती है, आखिर वो काम आएगा पति के चाहे पुत्र के, लेकिन उसको रखने के लिए देना चाहिए, ठीक है तुम रखो, ये चाबी उसी के हाथ में रहे, वो इस बात से संतुष्ट होती है। यदि एक जगह छोड़ करके आई है, अपने माता पिता का घर छोड़ करके आई है, तो यहाँ पति के पास आकर के उसे कुछ तो मलकियत देनी चाहिए, स्वामी बनाना चाहिए उसे। पर ऐसा नहीं पूरा फ्री हो जाए और जहाँ तहाँ घूमे खर्च कर, इसके लिए नहीं, पुत्रों के लिए और पति के लिए वो पैसा रखना पसंद करते हैं। कुछ व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, तो स्त्रियों का यह स्वभाव है, भले पहने या ना पहने, लेकिन वो कई साड़ी रखना चाहती है और एक दिन भी पहनेंगे ना किसी पर्व पर किसी फेस्टिवल में तो रखे रहते हैं। इस तरह से पति के द्वारा उनको सम्मान मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, जब कभी भी धमकी नहीं देनी चाहिए, जो इच्छा चली जाओ मैं नहीं चाहता हूँ, इस तरह के शैतानी नहीं करनी चाहिए। कभी भूल करके भी पति का कर्तव्य है, क्योंकि वो अपने माता पिता को छोड़ करके आई है, अपने भाई को छोड़ करके एक प्रकार से आई है। छोड़ना इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर वो पति के साथ रहती है तो छोड़ ही चुकी है। जो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में आई है तो उसको उचित आदर स्नेह और वस्तुएं देना चाहिए, तब वो संतुष्ट रहेगी। इस तरह से संतुष्ट रह करके पत्नी को चाहिए कि वो पति को ही अपना इष्ट देव समझे, पति की सेवा करे, उनसे बहुत मधुर वचन बोले, कभी कठोर न बोले, सेवा करे, और उनसे भिन्न तीर्थाटन या कोई समाज हो, सामाजिक उत्सव
सोशल फंक्शन हो उसमें ना जाए। आज का युग तो बदल गया, कुछ युग के अनुसार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। वैदिक स्टाइल है, ठीक है, उसको आपत धर्म कहते हैं, सेट करें, लेकिन मेन उद्देश्य रहे पति की सेवा। जैसे आज के युग में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की है तो उसे भी जॉब करना चाहिए, उसे भी काम करना चाहिए परिवार चलाने के लिए। ऐसी दुर्व्यवस्था है आज के युग में कि यदि वह पत्नी काम नहीं करेगी, परिवार ठीक से नहीं चल पाएगा, भरण पोषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनेक खर्चा बढ़ गया है, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। इस स्थिति में अगर लड़की घर नहीं रहती है, कोई काम नहीं करती है, तो पत्नी काम नहीं करती है तो बहुत अड़चन पैदा होती है, कैसे घर चलेगा। यदि पति समर्थ है, अर्जन कर रहा है काम भर ठीक से, तब तो काम करने कोई जरूरत नहीं है, घर में ही इतना काम होता है कि उसी को करे। लेकिन कदाचित लड़की पढ़ी लिखी है और वो सब अच्छा से नहीं हो पा रहा है तो वो काम कर सकती है, पूर्ण अपने सती धर्म में रहते हुए ही कर सकती है काम, इसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यहाँ ये बात ये कही गई है कि बच्चियाँ अपने पिता से बहुत स्नेह करती थी, यह है प्रीति का संबंध। कभी बच्चों ने मांग नहीं किया, ये 11,000 हमारे भाई होते तो उनको आप हिसाब देते कि नहीं हमको भी दीजिए, ऐसा उनमें से एक भी ने नहीं कहा। इनकी पुत्रियों में परम महान पुत्रियाँ जैसे अदिति, दीति, इनका नाम आएगा बाद में, 60 में से वो भी हैं, माता अदिति जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया, और अनेक जीवों को जन्म दिया। दीति भी इन्हीं की पुत्री है, बहुत स्नेह करते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में यह बात भी सिखाई गई है कि परिवार के साथ बहुत स्नेह करना चाहिए, अपने अपने पोजीशन में रह करके एक दूसरे से प्रेम करें, खास करके पत्नी। पत्नी को चाहिए कि अपने पति से प्रेम करें, नहीं तो परिवार नरक हो जाता है। आज के युग में हम सुनते हैं, बारंबार एक बात सुनने को मिलती है अंग्रेजी शब्द की, उनका तो डिवोर्स हो गया है। फार्म भरने के लिए कहीं कहीं देते हैं तो लिखते हैं कि मैरिड, वीडो, डिवोर्स्ड, लाइन खींचना पड़ता है वहाँ पर। ये वाक कैसे चलने लगा, ये डिवोर्स्ड हम लोगों का वैदिक शब्द नहीं है, राक्षसों का है वास्तव में, पश्चात देश के राक्षसों का, या मलेच्छों का, जमुनों का, तलाक और डिवोर्स, ये सब शब्द हम लोगों के नहीं है। शब्द इसलिए नहीं है कि हम लोगों में ऐसा कभी होता नहीं था, कोई पत्नी का त्याग कर दिया, कोई पत्नी अपने पति का त्याग कर दे, कभी नहीं होता था। हमेशा सेवा करनी चाहिए। शिक्षा में स्त्रियों को ही शिक्षा दी जाती है, जैसे प्रभुपाद जी के बारे में देखिए ये लिख रहे हैं कि स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है। जब भी कोई अवसर आता है तो श्री प्रभुपाद जी स्त्रियों को शिक्षा देते हैं। एक बार हमसे एक व्यक्ति ने पूछा, जब देखिए तब स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है, पुरुषों को कुछ नहीं सिखाया जाता है, ये क्यों? ये स्वाभाविक है। पत्नी को कहा जाता है कि पति से प्रेम करे, पति से प्रेम करे, पति से प्रेम करे, पर पति को क्यों नहीं सिखाया जाता है कि पत्नी से प्रेम करे, प्रेम करे? हमने तो ऐसे उत्तर दिया था कि पत्नी को क्या सिखाने की जरूरत है, पति को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है,
पति तो अपने आप ही स्त्री का गुलाम रहता है। मैं ऐसे उत्तर दिया कुछ पत्नियों को रंग नहीं होना चाहिए है ना, लेकिन जिंदगी में तो करते हैं, पत्नी से स्नेह करते ही है। बल्कि उनको विरक्ति सिखाई जाती है कि इतना अटैच मत रहिए, थोड़ा हरे कृष्ण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पत्नी को गृहिणी कहते भी है, ग्रहण कर लेती है, पति के कॉन्शियसनेस को सब माया मोह से ज्यादा पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों को ही शिक्षा दी जाती है वो पति से प्रेम करें, भगवान का भजन करें, लेकिन पति से सेपरेट कोई प्लान न करें कभी भी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्त्रियों के लिए बैराग नहीं बना है, तो शास्त्र का वाक्य है ना। दस प्रजापति ने 60 पुत्रियां उत्पन्न किया तो अब श्री नारद जी एक बार भी वहां आएंगे नहीं। श्री नारद जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, परमहंस हैं, कभी तो स्त्रियों से बात नहीं करते हैं। जो भी सिखाना है, प्रवचन करना है तो पुरुषों से बात करते हैं। ये साधुओं के कुछ ऐसे नियम हैं, उन्हें स्त्रियों से बात नहीं करना चाहिए, विरक्तों के लिए कही जाती है। दक्ष प्रजापति अब आश्वस्त थे कि नारद इनसे कभी भेंट नहीं करे, और वन में जाती भी नहीं है तो घर में रहती हैं, तो वहाँ नारद आकर के इनको थोड़े फोड़ेगा भांगेगा। इस तरह से दक्ष प्रजापति ने पुत्रियाँ उत्पन्न किया, और यही पुत्रियाँ सारे विश्व में को विश्व में जितने प्राणी हैं दुनिया है सब ने जन्म दिया है, सबको उत्पन्न किया है। धन्य है प्रजापति दक्ष की पुत्रियां। इनका सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इनके बारे में कि मातृणाम संकराणि च सुनन्दाम धेयानि अमुषाम नाम धेयानि मातृणाम संकराणि च। ये सारे जगत की माताएं हैं, माता बनेंगी, बन चुकी हैं हम लोगों के समय सब, ये सारे जगत उत्पन्न की हैं, और इनका नाम ही संकराणी शुभ करने वाला है, मंगल करने वाला है। कोई इन पुत्रियों का नाम ले, अदिति दीप्ति दनुर काष्ठा सुरसा इला इत्यादि, तो केवल नाम लेने से ही मनुष्य का मंगल होता है। इतनी पवित्र लड़कियां हैं जो सबकी माँ हैं, देवताओं की माँ हैं, दैत्यों की माँ हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सबकी माँ है। बहुत पवित्र हैं ये, इनका नाम पवित्र है, इनका कर्म बहुत पवित्र है। 60 पुत्रियों से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। किस किस पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ इसी अध्याय में सब वर्णन किया गया है। 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से हुआ है, और 13 का विवाह कश्यप जी से हुआ है, जिनमें अदिति जी सबसे श्रेष्ठ, और 4 कन्याओं का विवाह कश्यप जी से हुआ है, जैसे सुपर्णा, कद्रु, विनता। सुपर्णा विनता कौन कहते हैं, 4 पुत्रियाँ और 13 और 4 17 पुत्रियों का 17 पुत्रियों का विवाह कश्यप जी से हुआ है, 10 का विवाह धर्म से हुआ है, और चंद्रमा के साथ इंदु के साथ विवाह हुआ 27 का, परंतु दक्ष चंद्रमा से कोई संतान नहीं हुआ, ये पुत्रियाँ बिना संतान के रह गई 27। अंगिरा कृषास और भूत इनको 2-2 कन्याएं ब्याही गई थी, इतनी हुई 60।
इस तरह से विवाह हुआ था, किससे कौन उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ये सब बातें सुनते हैं वो स्वामी जी बताते रहते हैं, पढ़ कर नहीं बता रहे थे। महाराज परीक्षित की सभा में सब तो त्रिकालदर्शी हैं, संतान आदि का वर्णन करते जा रहे थे। इसी वंश में तो दस प्रजापति के पुत्रियों के वंश में मरुदगण हुए माता दीति के गर्भ से, अंत में अदिति के संतान को गिनाएंगे क्योंकि मधुरेण समापे, अदिति के संतान का वर्णन बाद में करेंगे। अच्छा, हमें अध्याय में बीच में और बृहस्पति जी का अपमान किया इंद्र ने, तो फिर विश्वरूप उत्पन्न हुए कौन कौन, फिर नारायण कवच, फिर प्रासद वध की कथा होते हैं, सत्रह अध्याय लग जाते हैं, सत्रहवा अध्याय। अच्छा, हमें अध्याय में दीति और अदिति के संतान का वर्णन किया है। तो दीति के पुत्र हुए 49 मरुदगण जो इंद्र के भाई बने, और माता अदिति के अनेक पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े विवस्वान हैं, विवस्वान और इंद्र इनके पुत्र हैं। 12वें पुत्र हुए भगवान वामन देव। इन 12 पुत्रों को आदित्य कहा जाता है, अदिति का पुत्र होने से इनको आदित्य कहते हैं। विवस्वान यही सूर्य लोक के मालिक हैं इस समय, और कहा भी जाता है वैवस्वत बलवंतर। इनके पुत्र हुए हैं सत्यव्रत महाराज। सत्यव्रत महाराज इस समय वर्तमान काल में मनु हैं, इसीलिए वैवस्वत मनु कहा जाता है, वैवस्वत मनवंतर। तो विवस्वान के पुत्र सत्यव्रत महाराज जो मनु हैं, और विवस्वान स्वयं विश्वलोक के स्वामी हैं, इसलिए विवस्वान का अर्थ कभी कभी शुद्ध भी किया जाता है, सूर्य लोक के स्वामी हैं। इस तरह से माता अदिति की संतान को गिनाया गया है, जिसमें अंत में भगवान आते हैं, जिन्होंने बलि महाराज से छल किया, तीन पग भूमि मांगने के बहाने तीनों लोक ले लिया। उनकी कथा यहाँ पर पूरी की गई 2 में मीरा रोड में। 1 में यह बताया गया भगवान ने किस तरह माता अदिति के यहाँ अवतार लिया, और दूसरे वर्ष यह कथा कही गई थी कि भगवान किस प्रकार बलि महाराज की जग में गए और उनसे दान मांगे, उन्हें बांधे, उन पर कृपा किए, शीतल लोक में भेजे। श्रीमद् भागवतम है, प्रत्येक अक्षर भगवान की महिमा बता रहा है। हरे कृष्ण, यह उन्नत समाज में हो रहा है, जहाँ ये सब बातें पहले नहीं होती थी, पति कैसा है, पत्नी कैसी है, क्या वर्तमान समय में कोई प्रश्न होता है तो वर्तमान स्थिति को देख कर किया जाता है। कुछ खास पॉइंट है जिनको पति करे, पति के लिए शिक्षा है और कुछ पत्नी के लिए शिक्षा है। अपने अपने स्वधर्म में रहना चाहिए, अपना कर्तव्य है पत्नी का वो पति की सेवा करे, पति से प्रेम करे, उसे यह बहुत देखने की आवश्यकता नहीं है कि पति कैसा है। जैसे शास्त्र शिक्षा देता है, भगवान कृष्ण ने श्री गोपी जनों को शिक्षा दी है कि केवल पति और पात्र की हो, मतलब पात्र की न हो, चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, दरिद्र हो, कुछ भी हो, पति की सेवा करनी चाहिए। हाँ, पात्र की है तो उस विषय में विचार किया जा सकता है। तो पातक का क्या अर्थ है, पातक जो करे उसको पातकी कहते हैं। पात का अर्थ है गिराना, पातक का अर्थ ऐसा काम जो उसको बिल्कुल गिरा दिया, नीचे गिरा दो, पातक कहते हैं, उसको पाप कहते हैं। लेकिन पात में और पातक में थोड़ा अंतर है, पातक और ज्यादा घातक है, गिरा दिया, गिरा दिया।
पातक में ये बात बताई गई है कि जो भगवान का द्रोही है, बिल्कुल अक्सर द्रोही है और अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्रियों में आसक्त है, उनको पैसा देता है, उनकी रुचि का पालन करता है, उसके साथ ही साथ यदि वो मतलब बेविचारी है और शराबी है, शराब पीना भी एक पातक है, को बहुत गिरा देता है। उस दशा में पत्नी यदि पति का त्याग करती है उसे पाप नहीं लगता है, लेकिन त्यागने में कई प्रकार की अड़चने आती हैं, तो अपने समय में अपनी स्थिति में उसे देख कर विचार कर लेना चाहिए। और यह है कि त्याग कर सकती है उस दशा में, अगर वो विचारी है और शराबी है और नास्तिक है, भगवान का निंदक है, उस दशा में त्याग कर सकती है, पर उसके नास्तिकता का या और सबका पॉइंट कितना है वो तो अति हो जाए तब त्यागना चाहिए, नहीं तो नहीं त्यागना चाहिए। परंतु यहाँ सेवा करने की बात कही जा रही है, यहाँ त्यागने वगैरह की बात नहीं कही जा रही है। इसलिए प्रश्न ऐसा होना चाहिए पति की कैसे सेवा करनी चाहिए, इस विषय पर हम लोग बोल सकते हैं कैसे सेवा करें, ऐसे सेवा कैसे त्याग है, इस पर बहुत प्रवचन नहीं है। तो हम समझते हैं कि आज के युग में मुख्य यही प्रश्न होगा कि किस हालत में त्याग देना चाहिए, एकदम उल्टा युग आ गया। कहा नहीं जा सकता, ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी को कि हमें पति की सेवा करनी है और पति यहाँ तक कि भगवान कहते हैं क्या वो शब्द है शुरू का कि पति यदि रोगी भी है, निर्धन भी है, जड़ है और अपातकी है, तो पत्नी को चाहिए कि उसको न त्यागे। दुःशीलो दुर्भगो रोगी, जो भी है त्यागने की बात शास्त्र कभी नहीं कहता है, इसीलिए किस हालत में त्याग देना चाहिए इसका कोई वर्णन नहीं है। तो हम क्या कल्पना करें, हम लोग तो यही सीखे हैं शास्त्र पढ़ करके कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, उसे प्रेम करना चाहिए, पति में कोई दोष भी है तो उसको क्षमा करते हुए, निग्लेक्ट करते हुए पति की ही सेवा करनी चाहिए। वास्तव में ये सब बातें आर्यों को सिखाई जा रही, जो सभ्य लोग हैं उनको, पूरे संसार में जो म्लेच्छ जवान आदि हैं इन बातों को न वो समझ सकते हैं, न सिखाने की ज़रूरत है कोई, न सीख सकते हैं। जहाँ ये डिवोर्स तलाक यही चलता रहता है वहाँ ये शिक्षा नहीं दी जाती है। ये शिक्षा बहुत सभ्य मानव को दी जाती है, बहुत अग्रसर हैं जैसे हिंदुओं में हैं, आर्यों में ये बातें सुनने पर प्रसन्नता होती है कि भाई स्त्री के धर्म की बात बताई जा रही है, ये पति के धर्म की बात बताई जा रही। लेकिन जहाँ ये सब चीज़ लागू नहीं है वहाँ के लिए कुछ कहना, यदि हम कह दें कि हाँ पति की सेवा करनी चाहिए, परंतु वह पति पत्नी का कोई संबंध ही नहीं है, कोई ऐसा संबंध नहीं है कि उसे कहा जाए कि तुम सेवा करो, ये करो, इसीलिए सबसे बेटर है भगवान की भक्ति करें और ऐसे जैसे सेट करना हो करें। लेकिन आर्यों के लिए, सभ्य जाति के लिए ये बातें बताई जाती हैं। कैंडिडेट होते हैं किसी शिक्षा के, उसको लेने के अधिकारी होते हैं, तो उनको ये सब बातें बताई जाती हैं। और कोई प्रश्न? हाँ आप पूछ रहे थे। हाँ,
नहीं, उससे उत्पत्ति हुई, इसका मतलब वंश विस्तार हुआ बहुत सा। बाकी तो बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार सनातनम, सबके आदि बीज तो भगवान कृष्ण हैं, भगवान से सब कुछ होता है, लेकिन उसमें वृद्धि सब इन कन्याओं के द्वारा हुई, बहुत बहुत संख्या में, बहुत बहुत प्रकार से। आपने बताया कि स्त्रियों को विरक्त नहीं होना, हमने नहीं बताया, प्रभुपाद जी बताए, ऐसे मत बोलिए। अभी बहुत से स्त्रियां जो है कि गुरु का पद लेकर प्रवचन और आत्मियों को क्या है शिक्षा दे रही हैं या उनको अपने पद से विरक्त कर। उन्हें चाहिए कि वे अपने पति की सेवा करें, गुरु का पति लेकर हैं, गुरु का पति लेकर कभी काम पे जाते समय देखते हैं परम श्रद्धे गुरु मां राधे राधे मां। गुरु का पद तो नहीं लेना चाहिए स्त्री को, हम लोगों में बहुत से आचार्य हुए, वैष्णव आचार्य परंपराएं भी आचार्यों की, लेकिन उसमें कोई माता जी शिष्य परंपरा में गुरु परंपरा में नहीं है, है ना, कोई बीच में नहीं है, नहीं वो कोई परंपरा में गुरु परंपरा में नहीं है। अब गिनते भागवत गीता में लिखा हुआ है ना, श्री भगवान, इसके बाद ब्रह्मा जी, नारद जी, ऐसे तो बीच में कोई माता जी नहीं है। और वर्तमान समय में मतलब जब षड गोस्वामी हुए, श्री रूप गोस्वामी, पाल सनातन गोस्वामी आदि सब, तो बीच में कोई एक भी माता जी वृंदावन नहीं गई थी और न गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे। कि है ऐसा कि कोई रूप गोस्वामी के साथ कोई माता जी भी आई थी और कर रही थी, नहीं। परिक्रमा करनी है किसी स्त्री को तो अपने पति के साथ करे, ये मना नहीं है कि ना करे, लेकिन पति के साथ, ये पति के साथ तीर्थ करे, पति के साथ कोई सामाजिक कार्य में भाग ले, किसी के यहाँ विवाह में जाना है तो पति अवश्य रहना चाहिए, दूसरे के घर में जाना पति के बिना ठीक नहीं होता। हाँ, तो बहुत उच्च स्तर की थी और उनके लिए तो त्याग अपने आप ही हो गया, करना नहीं पड़ा, वहाँ वो जरूरी था। और वास्तविक बात है कि उनके पति भी युद्ध में मार दिए गए थे, मीरा जी के जो खास पति थे मार दिए गए थे, तो इनके भाई के जो बड़े भाई थे राणा जी, वे मीरा को मारने की चेष्टा किए कि इसके चलते खानदान बदनाम हो रहा है, राजकुल बदनाम हो रहा है, उसके घर की ये स्त्री ये हो गए, साधुओं के समाज में बैठती है, कीर्तन गाती है, नाचती है भगवान के सामने। उनकी स्थिति बिल्कुल विलक्षण थी, फिर भी वे गुरु नहीं थी, भक्त थे मीरा जी। उसकी स्थिति तो वो तो साक्षात गोपी थी, भगवान की प्रिया थी, उसके लिए बिल्कुल दूसरी स्थिति है। और जैसे रेल चलती है तो रेल पटरी पर चल रही है, वायुयान चलता है तो आकाश में चलता है, उसको रेल की पटरी से कोई और गचकी से कोई प्रश्न नहीं है। कोई मान लीजिए रेल आकाश में वायुयान जा रहा है और नीचे लाल सिग्नल है रोड पर, तो कोई आदमी कहे अरे
ये कार व सब सिग्नल को मान रहे हैं और ये बाइवान चलाने वाला पागल है, ये नहीं रोक रहा है। उसकी स्थिति दूसरी है, सामान्य नहीं है। मेरा भाई भगवान के प्रिया हैं, लीला परिकर हैं, इसलिए तो सारा जगत मीरा जी को पूजता है, सब धन्यवाद देता है। आज तो कोई कहा है कि ये डिवोर्स दे दी? कोई कहा है पति को छोड़ दिया, गलती की है? नहीं, वो दूसरी स्थिति है। उनका वो अधिकार था, स्वरूप था। वास्तव में सभी के कर्मों का, धर्म का यही फल है ना कि भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाए। ये सती धर्म भी इसीलिए है, पति से भी इसीलिए प्रेम किया जाता है, एक दिन वह भगवान कृष्ण के प्रेम में बदल जाए। अतः पति को बहुत जिम्मेवार होना चाहिए, पति को चाहिए कि भगवान की भक्ति करे, नहीं तो अपनी पत्नी को धोखा में डालेगा। भक्त नहीं है तो बहुत खतरनाक स्थिति है पत्नी के लिए। तो मीराबाई तो बहुत महान थी, उनके लिए समान नियम लागू नहीं। तो क्या पिंगला को गुरु मान करके जा करके वहाँ सुने प्रवचन, दीक्षा लिए थे पिंगला से? आप प्रसंग को पढ़िए, स्पष्ट भगवान कहते हैं जदु महाराज से कि मैं इन 24 गुरुओं से शिक्षा लिया हूँ। दिए नहीं है शिक्षा, वो शिक्षा नहीं दिए थे, इन्होंने ले लिया था शिक्षा। जैसे बालक खेलता रहता है, किसी के मान अपमान से उसको चिंता नहीं होती है, ना घर कैसे चलेगा, मेंटेनेंस की कोई चिंता होती है, ऊपर फुल्लित रहता है, हंसता रहता है। तो बच्चा प्रवचन किया था थोड़े, भगवान दत्तात्रेय को बच्चा सिखाया नहीं था। और उस पिंगला के उद्गार को भगवान परोक्ष में सुने थे, ऐसा नहीं था कि वो माइक लेकर के प्रवचन कर रही है और हजारों पुरुषों की दृष्टि उस स्त्री पर हो। क्या प्रवचन है? जिसको अपने पति का ही केवल चेहरा देखना चाहिए, वो रोज हजारों लोगों का चेहरा देखे, क्या अपने पति के ही सब प्रतिरूप हैं? नहीं, यह ठीक नहीं है। अगर प्रवचन करना है तो स्त्रियों में करें, स्त्रियों के बीच कर सकती हैं। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान की पत्नियां द्रौपदी जी से मिली, तो स्त्रियां स्त्रियों में बात कर रही हैं कुरुक्षेत्र में। ऐसा नहीं कि पुरुष से कोई बात करे, पुरुष से बात कर सकती है अपनी बुआ या अपनी चाची, अपनी माँ, इस तरह के संबंध में जो हैं वे, भाई अपनी बहन से बात कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि जनरल बैठा करके और गुरु बनी हुई स्त्री प्रवचन करे, यह शास्त्र का नियम नहीं है। और पहले तो अपना भजन करे एकांत में, तब प्रवचन की बात सोचे, अपना भजन करना चाहिए। कोई स्त्री गुरु क्या बनेगी, कोई शिष्य ही उसको ले भागेगा। हाँ, यही होता है, प्रवचन करेंगे। ये कह रहे हैं कि आजकल की पत्नियां हैं जो कहती हैं पति से ही की सेवा करो, तो ये भी ठीक है, कम से कम पति से कनेक्शन तो है ना। ठीक है। और कभी कभी पति का धर्म है कि वो सेवा करे, और बीमार हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, उसका चरण कौन दबाएगा? पति दबावे, यही शास्त्र कहता है, पति उसकी सेवा करे। जनरली तो वो करेगी, लेकिन इमरजेंसी में पति का कर्तव्य है कि उसकी सेवा करें।
बीमार हो गई तो उसे हॉस्पिटल ले जाए, उसे पंखा झले, चाहे जो भी सेवा है करे। पति और पत्नी का संबंध लगभग बिल्कुल समान है, सब समान संबंध है, तो आपस में सब व्यवस्था की जाती है कि समय पर वो करें, ये करें, वो करें। बच्चे को साफ करना है, नहलाना है, कपड़ा पहनाना है। अगर मान लीजिए पत्नी बीमार है या रजोधर्म चल रहा है, उसका पीरियड चल रहा है, तो उसमें पति नहीं करेगा, कौन करेगा? पति को चाहिए कि वो अपने पुत्रों को नहलावे, पहनावे, स्कूल भेजे, और सब करते ही हैं पति लोग, स्वाभाविक। ऐसा नहीं है कि अब ये पति बिल्कुल देवता है और उसकी और सेवा नहीं करेगा पत्नी की। समय पड़ने पर बच्चों की सेवा, पत्नी की सेवा, वृद्ध माता पिता आदि की सेवा पुरुष को ही करना चाहिए। ये तो प्रेम का संबंध है, ऐसा नहीं है कि कोई ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी करना ही है, ऐसा नहीं है। प्रेम का संबंध है, इस प्रेम को बढ़ाना चाहिए और दोनों को सहयोग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो प्रेम का संबंध है, जैसे माँ का संबंध है बच्चे से, तो माँ को कोई सरकार या नगर पालिका, नगर निगम कोई आर्डर दिया है कि तुमको इसका पालन करना ही पड़ेगा, करती है, स्वाभाविक प्रेम से करती है। इसी तरह से पति पत्नी में सहज स्नेह का संबंध है और एक दूसरे की सेवा करनी ही चाहिए। कौन पूछ रहे? हाँ ठीक, कौन पूछ रहे हैं? हाँ अच्छा, हाँ आगे देखे कि वो भगवान के दर्शन प्राप्त किए और उनकी हंस को यह स्तुति किए जिसमें भगवान का यथार्थ वर्णन, भगवान के विशुद्ध भक्त नारद जी जैसे महात्मा पर इस तरह दुर्वचन कहना और क्रुद्ध करना, तो भगवान के दर्शन प्राप्त करके भी उनको भक्तों के प्रति कोई या तो भक्ति के प्रति इतना महात्मा नहीं जान पड़ा, उसका क्या कारण हो सकता? और दूसरी बात की उन्होंने नारद जी पर क्रोध किया थे, वैष्णव अपराध जैसा ही हुआ तो उसका उसको आगे क्या फल मिला कि नहीं? कुछ नहीं दिया नहीं, वास्तव में दक्ष प्रजापति ने कोई अपराध नहीं किया। जो भी बोल रहे थे नारद जी के प्रति द्रोह से नहीं बोल रहे थे, अपने पुत्रों के स्नेह बस बोल रहे थे, इसलिए दक्ष प्रजापति के द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया ऐसा नहीं मानना चाहिए। और भगवान के भक्त में ऐसे कैसे बात आई? भगवान की इच्छा को समझना बड़ा कठिन है। अर्जुन तो इतने बड़े महान भक्त थे भगवान के, उनकी हिंसा करने में, किसी की जान मारने में कैसे रुचि हुई? स्वधर्म का पालन कर रहे थे, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। दक्ष प्रजापति भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त नहीं। बिना भक्ति के दर्शन कैसे हुआ होता? इतने घोर तपस्या किए उस विंध्याचल में, परंतु फिर भी नारद जी के प्रति इस प्रकार की भावना होना, उसका सारस्वत अर्थ भी है। वो निंदा करते हैं तो नारद जी की निंदा नहीं हुई वास्तव में, वो अपने समान सबको करना चाहते हैं, तो कौन खराब है? नारद जी जैसे महान पुरुष सबको बनाना चाहते हैं, झंझट में नहीं डालने देना चाहते हैं। पर दक्ष प्रजापति यदि कुछ उनको कहे तो ऐसा नहीं माना गया है कि बहुत भारी अपराध हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा नहीं। भक्तों में कभी कभी ओपिनियन का अंतर होता है। एक दिन तो अर्जुन और युधिष्ठिर में मत भिन्नता आ गई, युधिष्ठिर को मारने के लिए इंद्र अर्जुन तैयार हो गए। कोई पूछे कि भगवान के इतने भक्त हैं बड़े, तो क्रोध कैसे आ गया इनमें? अर्जुन में कैसे क्रोध आ गया? बड़े लोगों में जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं, भगवान उनके हृदय में कभी कभी बैठ करके प्रेरणा देते हैं, ऐसे सामान्य परमात्मा के रूप में ही नहीं, कुछ स्पेशल ऐसा देखा जाता है व्यवहार, तो उनमें वो दोष नहीं माना जाता है। दक्ष प्रजापति जो कुछ भी किए, न तो उससे नारद जी की कोई हीनता हुई, न कोई उनको बुरा कहता है,
और उतने ही थोड़े समय के लिए था, क्रोध आ गया, कोई अपराध नहीं है। कभी कभी भक्तों में भी मतभेद देखा जाता है, लेकिन वो उतना बिहड़ नहीं होता है। तो एक काम इस समय होना चाहिए, तो नहीं बाद में होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। और कोई प्रश्न? क्षमा कीजिएगा, हम तो अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन हमारी ये टेंडेंसी है कि शास्त्र जो कहता है, आचार्य लोग कहते हैं, वही कहे। तो कोई बात ऐसे कठोर भी हो सकती है, या आज के युग में वो व्यवहारिक नहीं होगी, लेकिन फिर भी शास्त्र के अनुसार ही बोला जाता है। और कोई प्रश्न है? स्त्री पुरुष से बाहर भी प्रश्न कीजिए। हम लोग सन्यासी हैं तो गृहस्थों से ये सब पूछना चाहिए, गृहस्थ भक्तों से। वे कॉम्प्रोमाइज कराते हैं, वो पंचायत करते हैं, एडजस्ट करते हैं। काम है वे करते हैं, ये कहा ना। हाँ, उसमें भी बहुत खराब कंडीशन होता है, तब वैसा होता है। लेकिन राम जी माता सीता जी को क्यों पैसा, जबकि केवल एक व्यक्ति के कहने पर। हाँ, तो भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया, एक आदमी नहीं कहा, बहुत लोग कहने लगे कि ये भ्रष्ट लोगों के बीच में रही है, लंका में राक्षसों के बीच में, जिनमें कोई सदाचार नहीं है, नियम नहीं है, गुंडों के बीच में, बदमाशों के बीच में रही है, तो इसको कैसे राम जी स्वीकार कर लिए? क्या राक्षसों के बीच में, भ्रष्ट लोगों के बीच रह करके शुद्ध बची होगी? यद्यपि अग्नि परीक्षा ली गई थी सीता जी की, आग में जला कर सीधे देखा गया, बिल्कुल बेदाग थी, फिर भी बहुमुखात भागवत में लिखा गया है कि बहुत लोगों इस बात को कहने लगे, लेकिन राम जी राजा थे तो उनके सामने कौन कहे, इस तरह का आक्षेप आने लगा। तो भगवान ने देखा कि अगर मैं सीता को रखता हूँ तो इसके चलते स्त्रियों का बड़ा पतन होगा, लोग इसी तरह से क्षमा करते जाएंगे। मान लीजिए स्त्री अगर गलत रास्ते पर है तो इसको प्रश्रय मिलेगा, कोई भी पति या कोई भी समाज इसी तरह क्षमा करता जाएगा, तो स्त्रियों का समाज बिगड़ सकता है। अतः इसके लिए कोई स्त्री अगर एक रात भी अपने पति के अलावा दूसरे के यहाँ रही है तो उस पर लोग विश्वास नहीं करते थे कि शुद्ध बच्ची है। तो भगवान इसे स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए, उनका चरित्र बना रहे, इसके लिए सीता जी का त्याग किए। तो वो तो सभी उसको मानते हैं, ठीक किया, कोई ऐसा नहीं है कि वो गलत है। अन्य स्त्रियों के चरित्र की रक्षा के लिए भगवान ने सीता जी का त्याग किया। काम वही करना चाहिए जिससे सबका हित हो। भगवान जानते थे कि इसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। जब रावण सीता जी से कहा कि तुम मुझे स्वीकार करो, मैं मंदोदरी आदि को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम मेरी राज महिषी बनोगे, कितना अच्छा लगेगा जब तुम तुम्हारे गले में मेरी बांह जाए, गलबाही तो मुझसे मिलो, तो कहती है सीता की तव भुज कंठ सो भुज कंठ की तव असि घोरा सुन सठ अस प्रवान अनमोरा। मेरे गले में अगर किसी की भुजा आएगी तो श्री राम की,
राम ही मुझे ऐसे पकड़ सकते हैं, और नहीं तो तुम्हारा तलवार ये काटेगा हमारे कंठ में, या तो तुम्हारी तलवार या राम की भुजा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। अरे सठ दुष्ट, सुनो ये मेरा प्राण है, अगर मुझे कोई आलिंगन कर सकता है तो श्री राम, नहीं तो काटना हो तुम्हारी तलवार तैयार है, काटो, मर जाऊंगी मर जाऊंगी, राम के अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इतनी शुद्धि है उनमें, फिर भी भगवान ने सोचा कि अगर इस तरह से बहुत लोग कहते हैं तो बाद में ऐसा होगा कि अब स्त्रियों को छूट हो जाएगी, चाहे किसी के घर जाए कहीं भी जाए फिर भी लोग स्वीकार करेंगे। अतः स्त्रियों के सम्मान और चरित्र की रक्षा के लिए भगवान ने सीता का त्याग किया, जिससे कि आगे लोग सतर्क हो जाए, कोई भी स्त्री ऐसे स्वच्छंद न घुमा करे किसी के घर ऐसे। और जो भी प्रश्न तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन गृहस्थ भक्त जो है भगवान के, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो उन गृहस्थों से स्त्री पुरुष को कॉम्प्रोमाइज़ कराना चाहिए। वास्तव में सत्य धर्म यह है कि एक दूसरे के गलती को क्षमा करते हुए सहते हुए दोनों में प्रेम होना ही चाहिए, इसी से परिवार सुखी होगा देश सुखी होगा, नहीं तो बहुत भारी दुख आ रहा है। जो स्त्री 10 बरस अपने साथ रही 20 बरस अपने साथ रही वह फिर दूसरे के साथ हो जाए, या पुरुष फिर दूसरी स्त्री को रखे, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। मानसिक दुख तो होगा ही, व्यवहार में भी बहुत दुख हो जाएगा, धन आदि के एडजस्टमेंट में, बच्चों के शिक्षण, बच्चों को कौन रखे क्या रखे, बहुत दुख आ रहा है। आज का मनुष्य इस दुख को नहीं समझ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा दुख आएगा, अभी आ चुका है। स्त्री पुरुष में संबंध विच्छेद तो होते ही हैं, परस्पर केस भी चलने लगते हैं, ये भी देखा गया है। तो धन के लिए तो बच्चा के लिए, बच्चा हमारा है तो तुम्हारा है तो तुम रखो हम नहीं रखेंगे, ये बहुत भारी। ये मैं शुरू में ही कहा कि ये जौनों और मलेच्छों का काम है इस तरह का व्यवहार करना, पर उन लोगों के संग से भारतीयों में भी ये सब आ गया है, ये बहुत दुख की बात। भक्तों को चाहिए कि इस बात की शिक्षा दें। हरे कृष्ण क्या नहीं, काटे नहीं गए थे भगवान का श्री विग्रह बनाया जा रहा था, अभी बनना बाकी रह गया था, नहीं काटा गया था किसने बताया काटा गया था एक दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न किए भगवान नहीं काटा नहीं गया था, काटा नहीं गया था। अभी श्री विग्रह बनाया जा रहा था, कई चीज नहीं बना है, है ना, कई चीज अभी नहीं बना है, लेकिन जब बनाया जा रहा था तो इंद्रदुम्न महाराज को टाइम दिया गया था कि 14 दिन तक आप इसको मत खोलिएगा, यही था ना, 21 दिन तक। लेकिन 14 दिन बीतते बीतते उन्हें देखने की बड़ी लालसा हुई तो खोल दिए, तो जो विश्वकर्मा जी बना रहे थे भगवान के भक्त, या ब्रह्मा जी बना रहे थे, कौन बना रहे, तो वो वहाँ से चले गए, अभी अधूरा रह गया। बाद में वो रोने लगे राजा कि मैंने बड़ा गलती किया, ये खोल दिया किवाड़, तो भगवान ने उनको कहा कि नहीं नहीं मैं इसी रूप में रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तो भगवान ऐसे रह गए, ऐसा नहीं कि अधूरा है,
कुछ भक्त कहते हैं कि भक्तों को आलिंगन देने के लिए ऐसे बांह किए रहते हैं, वे अधूरे नहीं। इसके द्वारा इंद्रदुम्न महाराज की भक्ति भगवान सूचित कर रहे हैं कि भक्त कितना दर्शन के लिए व्याकुल था, तो भगवान ने इसी रूप में दर्शन दिया। ये उनकी इच्छा है, कौन आपसे कहा कि बांह काट लिया किसी माता ने मेरे को बताया, मुझे वो पसंद नहीं आया, मैं बहुत माता जी ने कहा, तभी मैंने आपसे प्रश्न करा, जय मेरे। लेकिन आपका प्रश्न सबसे अच्छा हुआ, भगवान की याद दिला। सुभद्रा की जय, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। योगी है या भोगी? गुरु को तो योगी होना चाहिए, जो भगवान से संयुक्त हो, भगवान से जिसका योग हो उसको योगी कहते हैं। तो आपके गुरु के विषय में हम क्या जानते हैं? हाँ, अच्छा, कृष्ण गुरु है, तो कृष्ण तो जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, जोगेश्वर हैं, जोगियों में सबसे श्रेष्ठ है। उनका भक्त योगी होता है और वे योगियों के ईश्वर हैं, भोगी नहीं है। नहीं रे, भोगी नहीं है वो। अरे आंदोलन में और धारण जिसके आगे भी है, तो दोनों आपस में मतभेद होते रहता है, किसी के लड़के भक्त बन गए, कुछ टाइम तो उनको मतभेद होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो किसी गृहस्थ से ब्रह्मा जी द्वारा समझाइए इनको। ब्रह्मा जी समझाए दक्ष प्रजापति को। ये गृहस्थ भक्त लोग यही लोग समझाएंगे। पंचायत करेंगे, हम लोग क्या करें। बोलिए, आप बताइए। सभी गिरधारी भक्त समाज मंदिर महाराज जी का भागवत कथा जान के लिए अभिवादन करेंगे महामंत्र से। हरे महाराज जी ने एक सुंदर बात कहा कि भाई ये पति पत्नी वाला प्रश्न किसी और को करिए, कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो हमको एक प्रसंग आज आ गया, गुजरात में एक वक्ता जो थे वो गृहस्थ थे और उनको एक ब्रह्मचारी ने पूछा, क्योंकि वक्ता सूर्य ग्रहण के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, वो ब्रह्मचारी पूछ रहे थे कि हमको यह बताइए कि सूर्य ग्रहण ज्यादा भयानक है या चंद्र ग्रहण। तो गृहस्थ वक्ता ने कहा, देखो भैया, हमको सूर्य ग्रहण कितना भारी है, चंद्र ग्रहण वो नहीं पता है, लेकिन मैं गृहस्थ हूँ, इन दोनों से भयानक है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण भाई बड़ा भयानक है हमारे लिए, इनसे भयानक चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होते। तो ये महाराज जी ने सुंदर बताया कि वास्तव में पति पत्नी का जो दिव्य संबंध है, वेदों से अनुमोदित वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत, दोनों का लक्ष्य है कि एक दूसरे को सहाय करते हुए भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता, वैष्णव सेवा। और हमारे इस्कान में प्रभुपाद जी के ग्रंथों से और वर्तमान आचार्यों की कथाओं से बड़ी सुंदर शिक्षा दी जाती है कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। और विशेष माता जी का प्रश्न भी बड़ा महाराज जी ने अनुमोदन किया, बड़ी उत्साह से वहां से खड़ी होकर यहाँ तक सुनने आई। और आप लोग, कुछ भक्तों को ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ ये बीच में, लेकिन महाराज जी की देखिए स्वभाव की बड़े सुंदर, हमको याद आ गया वही प्रसंग
जब पुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास एक बुढ़िया जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तो सरोज दादर कर रहे रुको, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का नहीं, तो ऐसी ही झांकी आचार्यों की द्वारा हमको प्राप्त होती है अगर हमारे अंदर शुद्धता हो तो। विशेष धन्यवाद महाराज जी का। और आप सभी भक्त मंडली से एक सूचना है कि आज गिरिराज जी का अन्नकूट दर्शन और भोग की व्यवस्था, तो आप सभी गृहस्थ भक्तों को ये सुंदर अवसर है माताओं को कि अपने अपने घर से गिरिराज के लिए भोग ला सकते हैं गिरिराज जी के लिए, और आप अपने हाथों से वहां पर अर्पण करे जाएंगे, हमारी कथा सेवा समिति अरेंजमेंट करेगी। तो आप लोग 6 या 6:30 बजे अपना जो भी भोग लाएंगे लाइए, और हमारे यहाँ दिव्य कृष्ण प्रभु वहां होंगे, उनको दीजिए ताकि वो अपनी सेवा में लगा देंगे। तो सभी अपने घर से जो भी प्रेम भाव से ला सकते हैं। और आज की कथा का समय आप सभी जानते हैं 6:30 बजे, आप तो सभी आते ही है, लेकिन एक अपना और एक निजी कर्तव्य समझिए कि जो आपके रिश्तेदार है, परिवार है, स्नेही बंधुजन है, उनको निमंत्रण दीजिए कि इस भगवत कथा का वो लाभ उठाए और अपने जीवन को कृष्ण प्रेम से धन्य बनाए। ये प्रभुपाद जी की कृपा से सुंदर अवसर हमारे पास है 6 दिन का, तो आप सभी भक्त इसमें खूब प्रेम भाव श्रद्धा भक्ति तन मन धन से सेवा दीजिए। यही एक अनाउंस था, और अभी यहाँ कथा समाप्त हो रही है। तो हम सभी बहुत सारी सेवाएं भी है इस कथा में, जो भाग लेना चाहते हैं हमारे राष्ट्रमंडल प्रभु की प्रभु से मिलिए, और जो भक्त बाहर से आए हैं उनको भी कुछ सुविधा असुविधा में त्रुटि हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि यथायोग्य सम्मान दिया जाए। और विशेष सभी लोग 6:30 बजे या 6 बजे का आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेट से लेट 6:30 बजे कथा मंडप में उपस्थित हो जाए कीर्तन और कथा के लिए। हरे कृष्ण। 11 तारीख को जुहू में रथ यात्रा है, इसलिए महाराज जी ने इस रथ यात्रा का भव्य उत्सव में भाग लेने के लिए कथा का 6 ही दिन कर दिया था। तो आप सभी स्मरण रखिएगा 11 तारीख को जुहू में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ यात्रा होगी। और कुछ प्रभु जी कहना चाहते कृष्णा, जुहू में 11 तारीख को रथ यात्रा है, जिस भाई बहनों को अगर वहाँ पे जाना है वो अभी से नाम लिखा ले ताकि उनकी बस की व्यवस्था हो सके। रंद्रा श्रीमद भागवतम की श्री प्रभुपाद की राधा गोविंद जी महाराज की गौर भक्त वृंद की गौरव प्रेमानंदे।